दोस्तों, देवों के देव महादेव में काम करने वाली सुनारिका भदौरिया अपने मशहूर किरदार पार्वती का रोल निभाने के लिए काफी मशहूर है, लेकिन काफी समय से एक्ट्रेस इंडस्ट्री की लाइमलाइट से गायब है। आखिर कहां गई पार्वती और वो अभी इस समय कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? इस सब की खबर हम आपको देंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सुनारिका भदौरिया ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2015 में तेलुगु फिल्म जादूगाड़ू से की थी, जो कि काफी हिट हुई थी। भदौरिया ने 2011 में लाइफ ओके के तुम देना साथ मेरा में अभिलाषा के रूप में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। देवों के देव महादेव में पार्वती के किरदार से उन्हें घर घर में पहचान मिली। दोस्तों, सुनारिका ने अपना नाम जितना पार्वती का रोल अदा करने से कमाया था, उससे कई ज्यादा उन्होंने अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ से भी बनाया है। जिनके फोटोशूट विवाद से लेकर टीवी शो देवों के देव महादेव की प्रोडक्शन टीम साथ हुई अनबन के बाद शो से निकाले जाने तक एक्ट्रेस इस दौरान कुछ विवादों का हिस्सा रही है। आइए एक नजर डालते हैं टीवी एक्ट्रेस से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पर। दोस्तों, 2016 में सुनारिका भदौरिया ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था, जिसमें वो बोल्ड और रिवीलिंग आउटफिट में नजर आई थी। इसने एक विवाद को जन्म दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने एक्ट्रेस के कपड़ों को अश्लील पाया। एक्ट्रेस पर इल्जाम लगे कि टीवी शो में देवी पार्वती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पर ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते हैं। दर्शकों के एक सेक्शन की तरफ से उनको काफी ट्रोल भी किया गया। दोस्तों, सुनारिका भदौरिया कई मौकों पर सोशल मीडिया ट्रोलर्स के निशाने पर भी रही हैं। 2017 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर बिकनी पहने हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कारण नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। 2016 में सुनारिका भदौरिया टीवी शो देवों के देव महादेव में पार्वती की मुख्य भूमिका निभा रही थी। हालांकि प्रोडक्शन टीम के साथ मुद्दों के कारण उन्हें शो छोड़ना पड़ा। साल 2019 में अफवाहें फैलने लगी कि सुनारिका भदौरिया टीवी शो इश्क में मरजावा के अपने को स्टार अर्जुन बिजलानी के साथ रिश्ते में भी थी। हालांकि दोनों ने अफवाहों को गलत करार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2018 में मी टू आंदोलन पर अपने कमेंट के लिए सुनारिका को फिर से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ महिलाएं पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इसका फायदा उठा रही थी। दोस्तों, सुनारिका ने देवों के देव महादेव को छोड़ने के बाद दास्ताने मोहब्बत, सलीम, इश्क में मरजावा जैसे सीरियलों में काम किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक्ट्रेस को देवों के देव महादेव से निकाला गया था, क्योंकि वो ज्यादा सैलरी चाहती थी, जिस पर प्रोड्यूसर अग्री तो हो गए थे, लेकिन सुनारिका इस रकम से खुश नहीं थी और उन्होंने नखरे दिखाना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने उनसे परेशान होकर उन्हें शो से निकाल दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ समय पहले सुनारिका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पराशर से रोका किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी करी थी। दोस्तों, सुनारिका भदौरिया और विकास एक दूसरे को 7 साल से डेट कर रहे थे। आखिरकार अब जाकर इन दोनों ने अपने रिश्ते को नया मोड़ दिया है। सुनारिका और विकास ने कुछ समय पहले ही सगाई की थी, जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर भी करी थी। फैंस कपल की फोटोज पर खूब प्यार लुटाते हुए भी नजर आए थे। अभी सुनारिका टीवी से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रही हैं और लगता है अपनी प्राइवेट लाइफ पर ज्यादा फोकस करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, वो आगे जाकर हमें OTT और फिल्मों में भी दिखाई देंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये मसालेदार खबर, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।